मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉग इन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। शशि कपूर, जिन्होंने 70s 80s में अपनी फिल्मों से, अदाकारी से सबका दिल मोहा, लंबी बीमारी के बाद अब वो इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शशि कपूर साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और अब उनके लिए ये खबर आई है कि लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया है। वो 79 साल के थे। वेटरन बॉलीवुड सुपरस्टार शशि कपूर ने अपनी अंतिम सांस अपने घर में ली और इंडस्ट्री को वो छोड़कर चले गए हैं। एक्टर मोहित मारवा ने ट्विटर पर शेयर किया है ये खबर। उन्होंने कहा है कि माय फेवरेट शशि कपूर, रेस्ट इन पीस टुडे, विल बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। तो शशि कपूर 79 साल की उनकी उम्र थी, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। 18 मार्च 1938 को कोलकाता में जन्मे थे। जेनिफर कैनरल जो उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे करण कपूर, संजना कपूर, कुणाल कपूर रहे और आज वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। शशि कपूर, जिनको कि उनके अभिनय के लिए जाना जाता था, उनकी स्माइल के लिए जाना जाता था और उन्होंने अनेकों ऐसी फिल्में की थी, दीवार, जब जब फूल खिले, सत्यम शिवम सुंदरम, सुहाग, नमक हलाल जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने वाले शशि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। फिल्मी बीट परिवार की तरफ से शशि कपूर को श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे।